नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना हाई कोर्ट, स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बिहार से झारखंड व बंगाल जाना होगा अब और सुलभ। सहारा में फंसे लोगों के खाते में आने लगे पैसे। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक अब होगा मासिक मूल्यांकन। सैयद सबा करीम ने पहली बार धोनी से मिलने का किस्सा किया शेयर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट, स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। पटना हाईकोर्ट की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए 24 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर उपलब्ध है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने अंग्रेजी शॉर्ट हैंड एवं अंग्रेजी टाइपिंग में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो और 6 महीने की अवधि वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अंग्रेजी शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट तो वहीं अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। बता दें कि इस भर्ती से स्टेनोग्राफर के कुल 51 रिक्त पदों को भरे जाएंगे। ई चालान से राजस्व जुटाने में बिहार 5वें स्थान पर। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार ई चालान से राजस्व जुटाने में पूरे देश में 5वें स्थान पर आता है। बता दें कि बीते 6 महीनों में बिहार ने इसमें जबरदस्त प्रगति की है। मालूम हो कि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार ने इन 6 महीनों में कुल 138 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जून तक राज्य में 4.59 लाख ई चालान काटे गए हैं। वहीं अगर हम इस क्षेत्र में पहले 4 स्थानों पर मौजूद राज्य की बात करें तो उनमें सबसे पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र और 5वें पर बिहार है। मालूम हो कि पिछले कुछ समय से बिहार में सुरक्षित यातायात को लेकर कई क्षेत्र में सावधानी बरती जा रही है। इसे पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा। बिहारी बोथरे में आज हम बात करेंगे अवधेश मिश्रा के बारे में। अवधेश मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा की फिल्मों में मुख्य रूप से नकारात्मक भूमिकाओं में काम करते हैं। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों, कुछ तमिल और बॉलीवुड फिल्मों में भी मुख्य खलनायक के रूप में काम किया है। अवधेश मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट पटना थिएटर से की थी। 2005 में उन्होंने सुनील सिन्हा द्वारा निर्देशित भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसन चाही में खलनायक के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और आलोचकों ने उनके अभिनय की सराहना की। उनकी तमिल की पहली फिल्म पुजाई 2014 की तमिल भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है जो हरि द्वारा लिखित और निर्देशित और विशाल द्वारा निर्मित है। उनकी पहली हिंदी फिल्म 2015 की हिंदी भाषा की भारतीय राजनीतिक थ्रिलर फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स थी जिसे केसी बोकार्डिया ने लिखा और निर्देशित किया था। उनके द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार आलोचकों और दर्शकों को काफी पसंद आता है। अगवानी घाट गंगा पुल हादसा में पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन भागलपुर के पास अगवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले को लेकर अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर व ललन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट की ओर से पुल निर्माण कंपनी SP सिंगला को हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया और साथ ही यह भी कहा गया कि वह अपने खर्च पर पुल के ध्वस्त भाग को निर्माण करवाएंगे। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त 2023 को की जाएगी। वहीं विकास कुमार मेहता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता SD संजय के द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट की कॉपी उन्हें दी जाए। उस रिपोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद ही वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। बिहार से झारखंड व बंगाल जाना होगा अब और सुलभ। बहुत जल्दी बिहार से झारखंड व बंगाल जाना लोगों के लिए सुलभ होने वाला है। दरअसल भागलपुर से हंसडीहा तक नए 4 लेन यानी कि NH 133E का निर्माण बहुत जल्द ही 2 फेज में शुरू होने वाला है, जिसके पहले फेज में भागलपुर से ढाका मोड़ तक सड़क का निर्माण किया जाएगा तो वहीं दूसरे फेज में ढाका मोड़ से झारखंड की सीमा तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। मालूम हो कि NH के निर्माण की अनुमानित लागत 915.17 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। बता दें कि NH के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण
अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। सड़क के दोनों ओर एक एक मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इस फोरलेन के पहले फेज के लिए DPR को मंत्रालय की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि सड़क के बनने से भागलपुर के पीरपैंती से झारखंड के देवघर और बंगाल जाने का एक और वैकल्पिक रास्ता बन जाएगा। बिहार 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 5 अगस्त इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों के द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है वह BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in या सीधे एप्लीकेशन पोर्टल online bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा से कुल 442 पदों को भरा जाएगा। वहीं अगर हम इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वे उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज CM नीतीश करेंगे शिक्षक संघ के साथ बैठक। आज यानी कि 5 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक संघ के साथ बैठक करने वाले हैं। मालूम हो कि इस बैठक को लेकर शिक्षक संघ के द्वारा पिछले कई समय से CM नीतीश से मांग की जा रही थी, जिस पर CM नीतीश के द्वारा हामी भरते हुए आज की तारीख बैठक के लिए निर्धारित की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बैठक आज शाम 4 बजे CM हाउस में होने वाला है। इस बैठक में CM नीतीश, विजय चौधरी, CPI CPIM के विधायक, शिक्षक संघ के नेता समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। वहीं इस बैठक में शिक्षक संघ के द्वारा अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को CM नीतीश के सामने रखा जाएगा। सहारा में फंसे लोगों के खाते में आने लगे पैसे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सहारा में निवेश किया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि सहारा में फंसे लोगों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। मालूम हो कि बीते दिन से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 112 लोगों के खातों में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। बता दें कि इस मौके पर अमित शाह के द्वारा कहा गया कि 18 लाख लोगों के द्वारा क्लेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा में फंसे निवेशकों के पैसे को लौटा रही है। अगर आप भी अपने पैसे को लेकर क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/ पर लॉगिन कर मांगे गए सारी जानकारी को भरते हुए अपना क्लेम कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंडन धाम के बारे में। मंडन धाम सहरसा जिले के महिषी गांव में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी के महान विद्वान और तत्वज्ञानी पंडित मंडन मिश्रा के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थान के साथ एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंडन मिश्रा अपनी पत्नी भारती के साथ भारतीय तत्वज्ञान में बहुमूल्य योगदान दिया, जो कि आदि शंकराचार्य के वरिष्ठ समकालीन थे। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आदि शंकराचार्य ने मंडन के साथ दार्शनिक बहस के लिए महिषी का दौरा किया था। मंडन धाम में कई बहुमूल्य पुस्तक भी हैं, जैसे ब्रह्म सिद्धि, मीमांसा नुक्रमणिका और विधि विवेक, जो कि मंडन द्वारा रचित है। इस धाम पर विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, विशेष रूप से दक्षिण भारत के लोग। मंडन धाम विद्वानों की कर्म भूमि रही है और यहाँ जाना अपने आप में गर्व की बात होगी। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई है। साथ ही प्रदेश के दक्षिण के जिलों में वज्रपात के साथ तेज बारिश की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार राजधानी पटना के आसपास के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि इन इलाकों में तापमान में भी उतार चढ़ाव की संभावना जताई गई है। 5 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। साथ ही सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनिल अग्रवाल ने सत्तू के शरबत को लेकर किया पोस्ट शेयर।
बिहार के लाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और अरबपति अनिल अग्रवाल को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने भले ही दुनिया के कई देशों में अपने कारोबार को खड़ा कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में बिहार बसता है, जिससे वह कई मौकों पर बताते नजर आते हैं। बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया साइट पर बिहार से जुड़े सत्तू के शरबत का एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह हाथ में सत्तू का शरबत लिए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि पटना से मेरा पुराना दोस्त आज मुझसे मिलने आया और मेरा पसंदीदा सत्तू का शरबत लेकर आया। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने सत्तू, थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर काला नमक से बने इस ताजा पेय के बारे में सुना है। मेरी युवा टीम के शब्दों में ये है, इंडिया का ओजी स्वादिष्ट किफायती जैविक और स्वास्थ्य वर्धक प्रोटीन शेक। इसने मुझे बचपन की मीठी यादें याद दिला दी। मैं और मेरे दोस्त छुट्टियों में खेलकर पसीने से भींगे घर आते थे और हमारी माँ जी हमें सत्तू शरबत का ठंडा गिलास देती थी। बड़ी सी पीतल की बाल्टी में खूब सारी बर्फ में बना यह हमारी सारी थकावट दूर कर देती थी। मुझे लगता है कि भारत के हर घर में ऐसा ही एक सरल, सस्ता और अनोखा स्टाइल का शरबत बनता है। आपके यहाँ की खासियत क्या है? आयुष पद्धति से इलाज पर भी बीमा का मिलेगा लाभ। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण के जनरल मैनेजर तिवारी के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सचिव डॉक्टर बी एल मेहरा को पत्र भेजकर इस बात की पुष्टि की गई है कि इलाज कराने पर आयुष पद्धति से भी बीमा कवर किया जाएगा। इस बारे में आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे के द्वारा बताया गया कि गंभीर और जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीज अमूमन अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं और इस पद्धति का लाभ मिल रहा है। इस बारे में आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे के द्वारा बताया गया कि गंभीर और जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीज अमूमन अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं और इस पद्धति का लाभ मिल रहा है। अब इन लोगों को भी बीमा कंपनी से दावा करने या फिर कैशलेस बीमा की सुविधा मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बीमा का लाभ कैंसर, लीवर व किडनी, गाउट, हार्ट संबंधित समेत कई बीमारियों के इलाज पर मिलेगा। सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक अब होगा मासिक मूल्यांकन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिख यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक में पढ़ने वाले बच्चों का मासिक मूल्यांकन किया जाएगा, जिनमें अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी शामिल होंगे। बता दें कि इसके तहत कक्षा एक के बच्चों का मूल्यांकन मौखिक और लिखित रूप में होगा, तो वहीं कक्षा दो से लेकर आठवीं तक में पढ़ने वाले बच्चों का मूल्यांकन केवल लिखित के आधार पर होगा। मालूम हो कि इससे पहले पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों का वर्ष दो बार ही मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन अब इस बार इसको बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस मूल्यांकन के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के आवेदन में लिंग सुधार करने का मिला मौका। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन किया था, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि सीएसबीसी की ओर से लिंग भरने में गलती करने वालों को सुधार करने का एक और मौका दिया गया है। दरअसल बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2100 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है, उनमें से 851 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन में अपना लिंग गलत भरा है। मालूम हो कि 851 अभ्यर्थियों की सूची केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से जारी कर दी गई। ऐसे में इस सूची में जिन भी अभ्यर्थियों का नाम शामिल है, वह 10 अगस्त तक https://csbc.bih.nic.in/ पर जाकर अपने फॉर्म में हुए गलती को सुधार सकते हैं। वहीं फोटो व सिग्नेचर में सुधार करने के लिए अभ्यर्थियों को 8 अगस्त तक का मौका दिया गया है। सैयद सबा करीम ने पहली बार धोनी से मिलने का किस्सा किया शेयर। बिहार के पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर और जियो सिनेमा एक्सपर्ट सैयद सबा करीम के द्वारा वह किस्सा शेयर किया गया है, जिसमें वह पहली बार महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे। उन्होंने कहा कि हम पहली बार जब मैंने एमएस धोनी को देखा तो यह रणजी ट्रॉफी में उनका दूसरा साल था, वह बिहार के लिए खेलते थे। मैंने उन्हें बल्लेबाजी और कीपिंग करते हुए देखा था और मुझे अब भी याद है कि जब वह बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनमें वह प्रतिभा थी जिस पर बाद में हमारा ध्यान गया। स्पिनर और तेज गेंदबाजों को वे बड़े शॉट खेलते हुए दिखे। दूसरी तरफ विकेट कीपिंग के लिए जो फुटवर्क होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी थी। हमने उस समय धोनी के साथ इस पर काम किया था और इसी में धोनी की महानता है कि जो उन्हें सिखाया गया था वह आज भी याद है। यह एमएस के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां वह वास्तव में आगे बढ़े। एक दिवसीय मैचों में हमने उन्हें ओपनिंग कराना शुरू किया क्योंकि उनकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत थी और वह तेजी से रन बनाते थे। दूसरा निर्णायक मोड़ केन्या में भारत ए, पाकिस्तान ए और केन्या के बीच त्रिकोणीय सीरीज थी। दिनेश कार्तिक राष्ट्रीय टीम में शामिल होने पर एमएस धोनी को खेलने का मौका मिला। वहां एमएस ने विकेट भी अच्छे से रखे और बैटिंग में पाक ए के खिलाफ दो बार खेला और उन्होंने श्रृंखला में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की।
राज्य के 9000 से अधिक डाकघरों को मिलेगा तिरंगा। इस वर्ष 23 अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। ऐसे में डाक विभाग बिहार सर्किल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराने और लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को कायम रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इसी को लेकर बिहार के भी 9048 डाकघरों में नागरिकों के लिए तिरंगा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। कई डाकघरों में तिरंगा आ चुका है और इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। इस बारे में डाक महाध्यक्ष पूर्वी प्रक्षेत्र मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि वैसे लोग जो तिरंगा खरीदने चाहते हैं वह डाकघर के काउंटर से खरीद सकेंगे और इसके साथ ही अगर तिरंगा ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वह इसके लिए डाक विभाग की साइट www.epostoffice.gov.in पर जाकर भी तिरंगा खरीद सकते हैं। बता दें कि डाकघरों में तिरंगा केवल 14 अगस्त तक ही उपलब्ध रहेगा। बिहार के इन दो स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। बिहार के शिवहर जिले के दो स्कूलों को पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए चयनित किया गया है, जिनमें केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल है। बता दें कि अब इन दोनों विद्यालयों में बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर पाएंगे। वहीं इसके साथ इन स्कूलों का विकास भी किया जाएगा, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत होगा। मालूम हो कि इस नई शिक्षा नीति के तहत इन दोनों स्कूलों को मॉडर्न किया जाएगा और साथ ही सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि इस योजना से देश भर के 14,500 स्कूलों को अगले 5 वर्षों में धीरे धीरे जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके बाद इन स्कूलों में आधुनिक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी, पानी के बचाव, वेस्टरी साइकिल समेत सभी तरह के सुविधा मौजूद होंगे। वार्ड सदस्य ही करेंगे नल जल योजनाओं का रखरखाव। पंचायती राज के अधीन संचालित नल जल की सभी योजनाओं का हस्तांतरण लोक स्वास्थ्य विभाग यानी कि पीएचईडी में किया जा रहा है, लेकिन अब पीएचईडी की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि इन योजनाओं का रखरखाव पहले की तरह ही संबंधित वार्ड के निर्वाचित सदस्य या उनके चिन्हित प्रतिनिधि ही करते रहेंगे। मालूम हो कि पूर्व में संचालित 58,000 ग्रामीण वार्डों की 67,300 नल जल योजनाओं के रखरखाव के लिए वार्ड सदस्य को अनुरक्षक के रूप में रखा गया था। सुबह शाम पेयजल आपूर्ति कराना उनकी जिम्मेदारी थी। वहीं पीएचईडी के अधीन करीब 56,000 वार्डों में नल जल योजनाओं का रखरखाव संवेदक की जिम्मेदारी है, लेकिन पंचायती राज से हस्तांतरित होकर पीएचईडी में आने वाली योजनाओं का रखरखाव अभी अनुरक्षक या वार्ड सदस्य ही करेंगे। सीबीएसई ने किताब और ड्रेस को लेकर लिया बड़ा फैसला। हमने अपने आसपास देखा होगा या खुद भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि सीबीएसई स्कूल में दाखिला लेने के बाद किताब और पोशाक लेने के लिए स्कूल की ओर से खास दुकान को लेकर ही अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है। बता दें कि अब इसको लेकर बोर्ड की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब कोई भी स्कूल किताब और ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते। ऐसे में अगर इस नियम को कोई स्कूल तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर स्कूल कैंपस में ऐसी कोई दुकान भी हो तो उसे भी हटाने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे स्कूलों पर एफिलिएशन बायलॉज संबद्धता परिनियम 2018 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस तरह की शिकायतें अगर किसी अभिभावक की ओर से दी जाती है तो उनके सुरक्षा को देखते हुए उनके पहचान को गुप्त रखा जाएगा। चंद्रयान 3 ने पूरी की 2/3 यात्रा। रास्ते में आने वाली समस्याओं को लेकर इसरो ने कहा ये। बीते दिन इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर से 2/3 यात्रा पूरी कर ली है और अब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की ग्रेविटी चंद्रयान 3 को अपनी ओर खींचेगी और साथ ही चंद्रयान 3 भी चांद के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगी। ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। बता दें कि इसरो के द्वारा भरोसा दिलाया गया है कि वे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ऑर्बिट में डालने में कामयाब होंगे। मालूम हो कि इस बारे में इसरो के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन 5 अगस्त 2023 को लगभग शाम के 7 बजे के लिए निर्धारित किया गया है, यानी चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा और फिर 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान को चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में होगी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी और 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे।
बिहार में सूखे की स्थिति पर जल संसाधन मंत्री का बयान। बिहार में बारिश ज्यादा न होने की वजह से सुखाड़ की स्थिति बन गई है। इसी को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा कहा गया कि राज्य में 1 जून से 1 अगस्त तक 48% कम बारिश हुई है। इसको लेकर सीएम नीतीश के द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई और साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग सुखाड़ की स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। जल संसाधन का जो लक्ष्य था उसमें हम लोग 80% तक पानी पहुंचा चुके हैं। वही सरकार को जो मदद करनी है कृषि फीडर के तहत 8 से 12 घंटा बिजली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई जगह बिहार में लेट खेती भी होती है। पहली बार हम नहर में नाइट पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, पहले यह काम फ्लड में होता था। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, तेजस्वी यादव ने कहा ये। बीते दिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष अदालत की पीठ जिसमें न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, उनके द्वारा मोदी सरनेम मामले को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब इस फैसले के साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। वहीं अब इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिखा गया फैसला स्वागत योग्य है। अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते। सत्यमेव जयते। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के नेताओं पर बोला हमला। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बीते दिन बीजेपी के द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई जिसमें बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा गया कि महागठबंधन के लोग सोचते हैं कि बिहार में 2 नेता मिलकर चुनाव जितवा देंगे, लेकिन यह हम कभी भी नहीं होने देंगे। इससे पहले भी उपचुनाव में बीजेपी ने 3 में से 2 सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमारा संगठन मजबूत है, हर बूथ पर हम और ज्यादा मजबूत हो, इसको लेकर ही इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। कुछ नेता सोचते हैं कि वह बीजेपी को पटकनी देंगे, लेकिन वैसे होने वाला नहीं है। बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी इस बार चुनाव जीतेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। पश्चिम बंगाल के राजा महाराजा नंद कुमार को 1775 में कोलकाता में फांसी दी गई। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में धोखाधड़ी के लिए दी गई यह अंतिम फांसी थी। न्यायमूर्ति लीला सेठ 1991 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से 2008 को 176 मील उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में 5.5 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया। केन्या के 70% नागरिकों ने 2010 को जनमत संग्रह में लोकतांत्रिक सुधारों के अंतर्गत नया संविधान बनाने का समर्थन किया। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 2013 को जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रवादी आचार्य प्यारे मोहन का जन्म 5 अगस्त 1852 को हुआ था। मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाज सेवी दत्तो वामन पोतदार का जन्म 1890 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म 5 अगस्त 1901 को हुआ था। मद्रास विधानसभा के सदस्य बीजी रेड्डी का जन्म 1907 को हुआ था। प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म 1969 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री काजोल का जन्म 1975 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता वत्सल सेठ का जन्म 1980 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा का जन्म 1987 को हुआ था। भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन 2000 को हुआ था। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने चाचा चौधरी कार्टून चरित्र बनाया प्राण कुमार शर्मा का निधन 2014 को हुआ था। वेलकम, में आज हम बात करेंगे नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन दावा करता है कि वह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जुड़ा हुआ है और मदरसा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता है। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह संगठन भारत सरकार से संबंध नहीं है, ऐसी वेबसाइटों पर कभी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अगस्त, ऑप्शन डी 3 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 अगस्त। अगला सवाल, हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। अगला सवाल, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1656 ईस्वी, ऑप्शन बी 1661 ईस्वी, ऑप्शन सी 1666 ईस्वी, ऑप्शन डी 1671 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1666 ईस्वी। अगला सवाल, 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अजीमा फिरदौस, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, सदुल्ला पलवी, नन्नू गोलू कुमार, भरत प्रसाद, उदय कुमार पासवान, सुनीता कुमारी, अतीक खान, सरिता पासवान, उपेंद्र कुमार यादव, ललन प्रसाद, अंशुप्रिया, समिता यादव, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सोशल मीडिया पर 24 घंटे में अपना कितना समय व्यतीत करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।